मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने गुरुवार को दिन दहाड़े एक 22 वर्षीय युवक पुष्कर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। पुष्कर सिंह, जो माधोपुर हजारी का रहने वाला और साहिबगंज कॉलेज में छात्र संघ का सक्रिय नेता था, को फोन कर ब्लॉक के पास बुलाया गया था। वहां दो बाइक सवार चार बदमाशों ने उसे झाड़ियों में ले जाकर गोलियां मारी और फरार हो गए। घायल पुष्कर सिंह को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। SKMCH में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और शुरुआती जांच में इस घटना को आपसी विवाद से जुड़ी हत्या बताया है। हालांकि परिजनों का कहना है कि पुष्कर की हत्या किसी पुरानी रंजिश का नतीजा हो सकती है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है। This news is brought to you by Himalayan International Residential School, Siliguri, West Bengal. क्या हुआ कि किसी ने फोन किया, उसके बाद कि आया है इसके बाद मतलब दो बोर्ड था कि चार आदमी था और चारों आदमी क्या किया कि मतलब मारना चाहे वही उठा कि सिर्फ भागा है। उसके बाद चारों मतलब पिस्टल लिए और चहेटा झाड़ी में ले गया है, झाड़ी में ले आकर मतलब उसको गोली मारा है, दो गोली माथा में लगा है और सीना में लगा है और मतलब उसको लगा के मल मालूम हो जाएगा और इसको रंजिश से मारा है, मतलब साजिश के साथ मारा है। छात्र ये नेता था और बहुत लोगों से भी अखर थे, जो अखर की शक्ति में उसकी हत्या हुई और उसका पता कर लेते हैं कौन आदमी है, उसके बाद उन्होंने जेल में फैल जाते हैं, भाई पता सब चल जाए जो किसका किसका है। घटना का सूचना कैसा मिला था, क्या करने गए थे, घटना का सूचना कैसा मिला था? घटना हमको फोन से जानकारी हुआ, फोन से बताया कि गोली मार दी आज वहाँ का। लगभग कितने बजे की घटना है ये? ये घटना लगभग मतलब 12 बजे को लगभग। प्रखंड कार्यालय क्या करने गए थे, कुछ काम करने गए थे वहाँ? डेरा दिया मतलब डेरा मार्केट सामने डेरा बोला डेरा है मतलब। बुलाने वाला कौन लगता है, इनका दोस्त है या कोई दूसरा आदमी? पता किया जाएगा, वाइट पुलिस के हवाले है, फोन फोन किया क्या किया तो फोन से मतलब केस मालूम हो जाएगा क्या है। विवाद छात्र संघ का ही लगा, और साजिश के तहत उसको मारा गया, क्योंकि मतलब किसी से डरता नहीं था, किसी से डरता नहीं था मतलब, और इंसान का मन चोट छुआ था नहीं। क्या नाम हुआ आपका? अमर कुमार। और पोता का क्या नाम है? पुष्कर कुमार नाम है, घर मालिक हो जाते हैं सहायक मंदिर हम लोग को। उसको सहायक मंदिर ब्लॉक के पीछे बुलाया तो साजिश के साथ उसको गोली मार दिया। कौन लोग हैं? लोगों को पहचान नहीं है। क्या विवाद हुआ था? उसका पता किया जाए, प्रशासन पता कर रही है जी। विवाद किसी से था क्या? पहले सब तो ऐसा विवाद था जी, पहले भी कोई धमकी उनकी दिया? पहले भी धमकी आया था, बहुत धमकी। क्या करते थे आपके लड़के? पढ़ता था बिहार यूनिवर्सिटी में। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। साहेबगंज थाना अंतर्गत करीब 12:30 बजे एक लड़का जिनका नाम पुष्कर कुमार है, जो माधव बजारी गांव के रहने वाले हैं, उनको अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा गोली मार दी गई है। इनको जख्मी हालत में पुलिस के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम लोग घटनास्थल पहुंच करके हम लोग CCTV कैमरे का जांच कर रहे हैं और जो भी मानवीय और तकनीकी सूचना है हम लोग संकलन कर रहे हैं और जल्द ही हम लोग अपराधियों को पकड़ेंगे।